हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम लुसेंट की बुक का 25वें नंबर का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। विश्व के कुछ प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि तट पे बसे शहरों का नाम बताइए, या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें हम अभी यहाँ तक पहुँचे नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे वीडियो लुसेंट की बुक से जो बनाए गए हैं वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो देखिए फ्रेंड्स, नगर दिए हुए हैं और नदी दी हुई है, याद रखना है अपने को, और याद रखना भी है, याद करना भी है। ये जो टॉपिक है अपन ने महाद्वीप पढ़े जब भी नदी कवर किए, लेकिन इसको भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बगदाद की। बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद टाइग्रिस नदी के तट पे बसा है फ्रेंड्स, याद रखना है, टाइग्रिस नदी के तट पे बसा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन से नदी के किनारे बसा है या तट पे बसा है, तो इराक की राजधानी बगदाद, नाम सुना होगा आपने, इराक की राजधानी बगदाद टाइग्रिस नदी के तट पे बसा है। टाइग्रिस नदी बहती है इराक में, तो याद रखना है। उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन यह इस प्री नदी के तट पे बसा हुआ है। यह स्प्री नदी जर्मनी में बहती है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है यह स्प्री नदी के तट पे बसा है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसकी राजधानी है पर्थ। तो ये आपको याद होगा, आप हमारा महाद्वीप वाला में लेक्चर देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, यानी ऑस्ट्रेलिया का शहर है एक, जो राजधानी भी है। ये स्वान नदी के तट पे बसा है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वान नदी के तट पे बसा है। स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। अब बात करते हैं पोलैंड की राजधानी वारसा, ये विस्चुला नदी के तट पे बसा है। डायरेक्ट आ सकता है विस्चुला नदी के तट पे बसा हुआ है, ये विस्चुला नदी बहती है कहाँ, पोलैंड में, तो याद रखना है ये। उसके बाद देखिए मिस्र के बारे में आपने सुना होगा, अगर पूछा कभी नील नदी की देन कौन सा शहर कहलाता है, कौन सा देश है, तो मिस्र में एक शहर है फ्रेंड्स जिसका नाम है आसवान। बांध भी सुने होंगे आपने, शहर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान बांध, नील नदी पे है। और यहाँ क्या बोला गया है कि आसवान, जो मिस्र का आसवान नगर यह शहर, ये नील नदी के तट पे बसा है, याद रखना है, तट पे बसा है या किनारे बसा है वही है। तो आसवान जो मिस्र में है वो नील नदी के तट पे बसा है। अब बात करते हैं अपन सेंट लुइस शहर है एक, कहाँ का, अमेरिका में अपन ने पढ़े थे सेंट लुइस नाम का शहर है अमेरिका में, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश में सेंट लुइस नाम का एक शहर है, जो मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और अमेरिका में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है मिसिसिपी। तो याद रखना है सेंट लुइस जो है ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं आगे सॉरी इटली की राजधानी रोम। रोम जो है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, रोम किस नदी के तट पे बसा है, रोम जो है टाइबर नदी के तट पे बसा है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पे बसा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है, टाइबर नदी के तट पे बसा है रोम। उसके बाद इंग्लैंड की राजधानी लंडन जो है थेम्स लिखा है हिंदी में, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसे इंग्लिश में थेम्स लिखते हैं, THAMES, थेम्स नदी के तट पे बसा है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड की राजधानी लंडन थेम्स नदी के किनारे बसा है, क्वेश्चन आ सकता है थेम्स नदी के किनारे बसा, याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पे बसा, याद रखना है, सीन नदी बहती है फ्रांस में, सीन नदी के तट पे बसा है फ्रांस की राजधानी पेरिस। रूस की राजधानी मॉस्को जो है मोस्कवा नदी के तट पे बसा हुआ है, मोस्कवा नदी बहती है मॉस्को शहर में, तो मॉस्को जो है वो मोस्कवा
मोस्कावा नदी के तट पे बसा है। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला देखिए चेक गणराज्य की राजधानी है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, और प्राग जो है विंतावा नदी के तट पर बसा है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, विंतावा नदी बहती गणराज्य में, तो याद रखना है। उसके बाद अगला बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का एक नगर है, इज द सिटी ऑफ वेस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बोन जो है राइन नदी के तट पे। ये राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है। और जर्मनी का एक नगर या शहर है, ये पश्चिमी जर्मनी में है राइन, तो राइन नदी के तट पे बसा है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम। और खार्तूम जो है नील नदी के तट पर बसा है। नील नदी अफ्रीका में बहती है, याद रखना है, विक्टोरिया झील से निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए, सहारा मरुस्थल के पूरब से बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। और जब उत्तर की ओर जाती है तो जो जो देश मिलते हैं और जो जो देश के शहर मिलते हैं, तो एक सूडान की राजधानी खार्तूम मिलता है, ये नील नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। मिस्र की राजधानी काहिरा भी नील नदी के तट पर बसा हुआ है, डायरेक्ट आता है, याद रखना है, नील नदी की देन बोलते हैं मिस्र को। और मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर बसा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स ये लाप लाटा नदी के तट पर बसा है। फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स लाप लाटा नदी के तट पर बसा है। लाप लाटा नदी बहती है अर्जेंटीना में। टर्की की राजधानी क्या है? अंगारा है। टर्की की राजधानी अंगारा की झील नदी के तट पर बसा है। कीजील नदी बहती है टर्की में। टर्की की राजधानी अंगारा है, कीजील नदी के तट पर बसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड वेल्स पढ़े थे अपन ने, उत्तरी आयरलैंड, ये सब ब्रिटेन का हिस्से हैं। तो उत्तरी आयरलैंड को अगर जोड़ दो तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ये बताया था मैंने आपको पुराना लेक्चर, आप देख सकते हैं। स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये चारों को मिला के बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ये कहलाता है द ग्रेट ब्रिटेन, तीन देश। तो जिसमें से बात कर रहे हैं अपन स्कॉटलैंड की यहाँ राजधानी नहीं है, ये डुंडी शहर है। डुंडी जो है ये शहर है, स्कॉटलैंड का एक शहर है डुंडी, एक नगर है या एक शहर है। जबकि स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग अपन ने पढ़े थे। ये टे नदी के तट पर बसा हुआ है, टे नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। डुंडी स्कॉटलैंड का एक शहर है। लिवरपूल लंदन में है। इंग्लैंड में है लिवरपूल। तो ये मार्सी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन, वो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। और इंग्लैंड का जो लिवरपूल, तो फ्रेंड्स लिवरपूल जो है मार्सी नदी के किनारे बसा है। अब बात करते हैं जर्मनी का एक नगर है जिसका नाम है कोलोन। कोलोन किस नदी के तट पर बसा है? ये राइन नदी के तट पर बसा है। राइन नदी बहती है जर्मनी में, याद रखना है। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। और ये मॉन्ट्रियल जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है। अपन ने पढ़े थे सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे अपन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, लेकिन अमेरिका में बहने के बाद ये कनाडा में भी जाती है, फ्रेंड्स याद रखना है। तो कनाडा में भी बहती है सेंट लॉरेंस नदी, और इसके किनारे कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल स्थित है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी किसके किनारे स्थित है? ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अपन ने पढ़े थे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी, और डार्लिंग नदी जो है मर्रे नदी में आके मिलती है, तो ये याद रखना है। तो सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर बसा हुआ है, मैप के थ्रू याद रखना है आपको किधर साइड कौन सी नदी थी, तो आपको याद आ जाएगा डार्लिंग नदी किधर बही है, सिडनी किधर में है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, पश्चिम में पर्थ है, तो ऐसे मैप के हिसाब से याद रखना है। अब बात करते हैं बेलग्रेड की। बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की राजधानी, यूरोप महाद्वीप का देश है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के तट पे, फ्रेंड्स डेन्यूब नदी के तट पे। और बता रहा हूँ मैं आपको, ये डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप महाद्वीप के लगभग 5 देशों की राजधानियां इस नदी के तट पे स्थित है। लगभग कहा जाए तो 5 देशों की राजधानियां इस नदी के तट पे स्थित है डेन्यूब नदी।
तो डेन्यूब नदी जहां भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है, तो डेन्यूब याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के तट पे, मैंने बताया था पांच देशों के हैं, पांच देशों की राजधानी है। तो डेन्यूब जो है ये बुडापेस्ट यानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के तट पे। अब बात करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के तट पे स्थित है। पोटोमेक नदी बहती है अमेरिका में, तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, पोटोमेक नदी, तो इसमें गलत नहीं करना है, पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पे बसा है, जबकि शिकागो शहर शिकागो नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये कुछ नहरें हैं, सॉरी नदियां हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपन, तो देखो याद रखना है पोटोमेक नदी जो है ये वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे बसा है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ये डेन्यूब नदी के तट पे बसा है, मैंने बताया था पांच देशों की राजधानी बसा है डेन्यूब के किनारे, मैप देख सकते हैं आप डेन्यूब नदी का। जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के तट पे बसा हुआ है, आराकावा नदी बहती है जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये आराकावा नदी के तट पे या किनारे बसा है। अब बात करते हैं चीन का एक शहर है जिसका नाम है संघाई, तो चीन का एक शहर संघाई जो है ये यांग टी सी क्यांग नदी का नाम है, यांग टी सी क्यांग नदी के तट पे बसा हुआ है। ये जो नदी है यांग टी सी क्यांग नदी, ये जो नदी है ये चीन की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, पूर्वी चीन सागर में जाके गिर जाती है, चीन से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और उसके बाद पूर्वी चीन सागर में चीन होते हुए जाती है और पूर्वी चीन सागर में जाके गिर जाती है। तो आप सोच रहे होंगे चीन की सबसे लंबी नदी है, हाँ तो ये चीन की सबसे लंबी नदी है, जबकि मैंने आपको बताया था यांगसी नदी के बारे में, ये भी बहती कहाँ पे, चीन में ही बहती है यांगसी नदी, लेकिन ये यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और बात हो रही है यहाँ पे स्पेशल चीन देश की, तो चीन की सबसे लंबी नदी है यांग टी सी क्यांग नदी, और यांगसी नदी पूछेगा तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं अपन, म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून, म्यांमार की पहले राजधानी थी रंगून, अभी राजधानी है इसकी नेपिटाओ या नेपिडाओ, ऐसा लिखा मिलता है आपको, तो नेपिटाओ ये राजधानी है अभी म्यांमार की। म्यांमार की पहले राजधानी थी फ्रेंड्स रंगून, पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी म्यांमार की रंगून, जेल सुने होंगे आपने, रंगून में जेल था एक अंग्रेजों का, तो रंगून म्यांमार की पहले राजधानी थी रंगून, और रंगून जो है इरावदी नदी के तट पर बसा हुआ है, इरावदी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसको इंग्लिश में इरावड्डी नदी भी बोलते हैं, इरावड्डी नदी इंग्लिश में इरावड्डी नदी म्यांमार की प्रमुख नदियों में से एक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओटावा कनाडा की राजधानी ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी अभी अपन ने पढ़े थे ये अमेरिका में बहती कनाडा में बहती है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा सेंट लॉरेंस नदी। न्यूयॉर्क शहर की बात कर लेते हैं, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क ये हटसन नदी के तट पर बसा हुआ है, हटसन की खाड़ी भी पढ़े हैं अपन ने और हटसन नदी भी है, तो न्यूयॉर्क शहर समुद्र के किनारे स्थित है और अटलांटिक महासागर तरफ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और न्यूयॉर्क में ही स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है याद रखना है, और न्यूयॉर्क जो है हटसन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए अपन ने अमेरिका की कितनी नदी पढ़ ली है, हटसन नदी पढ़े, शिकागो नदी पढ़े, पोटोमेक नदी पढ़े जो वाशिंगटन डीसी बसा हुआ था, पोटोमेक ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पे स्थित है और अमेरिका का जो शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क ये हटसन नदी के तट पे स्थित है। अब बात करते हैं आगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड ये जो है ये मैनजेनसेस नदी के तट पे स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना है मैनजेनसेस नदी के तट पे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मैनजेनसेस नदी के तट पे स्थित है, ये नदी बहती है स्पेन में। पुर्तगाल की बात कर लेते हैं, अब पुर्तगाल का नाम तो सुना ही होगा आपने,
पुर्तगाल की बात कर लेते हैं, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये टांगस टांगस नदी के तट पे स्थित है फ्रेंड्स। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ये टांगस नदी के तट पे स्थित है, टांगस नदी बहती है पुर्तगाल में, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन आयरलैंड, आयरलैंड का एक शहर है डबलिन, डबलिन आयरलैंड का एक शहर डबलिन, ये लीफे नदी के तट पे स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। डबलिन आयरलैंड, आयरलैंड एक उत्तरी आयरलैंड अलग है और एक आयरलैंड अलग है, ऊपर में जो है उत्तरी आयरलैंड और नीचे में आयरलैंड है, तो आयरलैंड का शहर डबलिन ये जो है ये लीफे नदी के तट पे स्थित है। अब बात करते हैं बांग्लादेश का एक शहर जिसका नाम है चट्टगांव, चट्टगांव चट्टगांव बंदरगाह भी है बांग्लादेश में, एक बंदरगाह भी है चट्टगांव, तो ये मयाणी, मयाणी नदी के तट पे स्थित है फ्रेंड्स। ये मयाणी नदी बहती है बांग्लादेश में, याद रखना है, मयाणी मयाणी नदी के तट पे स्थित है चट्टगांव बंदरगाह, और ये चट्टगांव जो है ये बंदरगाह भी है एक शहर भी है ये बांग्लादेश का, बांग्लादेश जो है ये मयाणी, बांग्लादेश का जो चट्टगांव शहर है वो मयाणी नदी के तट पे स्थित है। अब बात करते हैं जर्मनी, जर्मनी का एक नगर है जिसका नाम है हैमबर्ग, हैमबर्ग जर्मनी का एक नगर है, शहर है, टाउन है, जर्मनी का शहर हैमबर्ग, ये एल्ब एल्ब नदी के तट पे स्थित है, याद रखना है एल्ब नदी, ये एल्ब नदी जर्मनी में बहती है ये भी। उसके बाद बात करते हैं अपन अमेरिका का शहर शिकागो, शिकागो नाम का शहर है अमेरिका में, ये शिकागो नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड का एक शहर जिसका नाम है ब्रिस्टल, ये एवन एवन नदी के तट पे बसा हुआ है, एवन नदी के तट पे बसा हुआ है इंग्लैंड का एक शहर, इंग्लैंड देश का एक शहर जिसका नाम है ब्रिस्टल, ये एवन नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन इराक, इराक का एक शहर है बासरा, इराक का एक नगर है या इराक का एक शहर बोल सकते हैं ये बासरा, तो ये दाजिला एवं फरात, दाजिला और फरात नदी के तट पे स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना है, दाजिला एवं फरात नदी के तट पे स्थित है, दाजिला एवं फरात नदी के तट पे स्थित है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, दाजिला नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये दाजिला और फरात ये दो नदी है, दोनों बहती कहाँ, इराक में, दाजला एवं फरात ये दोनों नदी बहती है इराक में, याद रखना है। क्यूबेक कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है क्यूबेक, क्यूबेक शहर या क्यूबेक प्रांत भी है, एक वहां के राज्य का भी नाम है कनाडा के, एक स्टेट का है, स्टेट है कनाडा का, क्यूबेक प्रांत ये किसके किनारे स्थित है, तो ये क्यूबेक प्रांत का भी नाम है और एक शहर भी है क्यूबेक, क्यूबेक जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पे स्थित है, अपन ने पढ़े सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका में बहती है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है, अमेरिका और कनाडा में बहती है। रूस का एक शहर है लेलिन ग्रांड ये है नेवा नदी के तट पे स्थित है फ्रेंड्स, रूस में बहती है नेवा नदी, याद रखना है, लेलिन ग्रांड ये रूस का एक शहर, लेनिन ग्रांड ये नेवा नदी के तट पे बसा है। आगे बात करते हैं रूस का एक और शहर है जिसका नाम है स्टालिन ग्रांड, स्टालिन ग्रांड ये वोल्गा नदी के तट पर बसा हुआ है, वोल्गा नदी बहती है रूस में, अपन ने पढ़े थे वोल्गा नदी के तट पर बसा हुआ है स्टालिन ग्रांड शहर, रूस का एक शहर है स्टालिन ग्रांड ये वोल्गा नदी के तट पर बसा है, और रूस का एक और शहर है जिसका नाम है लेलिन ग्रांड ये नेवा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो नेवा भी नदी बहती कहाँ, रूस में, वोल्गा नदी बहती है रूस में। उसके बाद बात करते हैं रूस का एक शहर जिसका नाम है कीव, काम है बड़ी की मात्रा कीव, कीव शहर जो है नीपर नदी के तट पर बसा हुआ है, नीपर नदी बहती है कहाँ, रूस में, याद रखना है नीपर नदी कहाँ बहती है, रूस में बहती है। उसके बाद बात करते हैं अपन दाओस, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है दाओस, स्विट्जरलैंड का एक टाउन है या शहर बोल सकते हैं, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है दाओस, ये जो है ये लैंड वासर नदी कहाँ बहती है, ये स्विट्जरलैंड में बहती है, तो स्विट्जरलैंड का एक शहर दाओस जो है लैंड वासर नदी के तट पे बसा हुआ है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दाओस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेक्चर जिसमें हमने विश्व के किनारे बसे प्रमुख नगर डिस्कस किए थे,
जो इंपॉर्टेंट नगर होते हैं वो किसी नदी के किनारे ही बसे रहते हैं, तो नदी का नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको यार लेक्चर अच्छे से देखना है। तो यार लेक्चर कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स, ये 25वें नंबर का टॉपिक था लूसेंट की बुक से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें और जो लूसेंट में दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते।